सी द गवर्नर्स विद डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कमेटी संहार करना साहब, कितना कुछ करके हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब भी अगर लिखते हैं वीडियो हमारे साथ और भी हमें मुश्किल आई तो भोज ने भी हमारा साथ दिया। करना कंधार के अंदर मौजूद हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर, और आज हमारा यहाँ पर आना हुआ है मिशन तंगधार के तहत। मैं यहाँ मौजूद हूँ, आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर पूरे नागरिक हैं और मीडिया बंदों के मार्फत पूरे देश और हमारे देश की पॉलिटी, प्रधानमंत्री महोदय जो गरीबों की सारी बातें सुनते हैं, महिलाओं की सुनते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत देश हमारा साथ दे कि मिशन करना क्या है ये आप समझें और हमारी समस्या का समाधान करें। मैं देशवासियों को बता दूं कि मैं एक सेना का अधिकारी रहा हूं और इस इलाके में भी मैंने नौकरी की, तो यहां जो एक ये ऐसा इलाका है जिसके ऊपर सरकार का ध्यान है पर सरकार कोई कारणों से उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही, और यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ करीब 1,80,000 से 1,00,000 के बीच की जनसंख्या है और उनको 6 महीने बर्फ के दौर के अंदर कट ऑफ रहना पड़ता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर किसी इलाके में 6 महीने बर्फ़ के कारण वो न तो स्कूल जा सकते, अगर कोई हादसा हो जाए तो किसी को बीमार को दूर नहीं ले जा सकते, बारिश और हेलीकॉप्टर मौसम के ख़राब के कारण हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता, और अगर गलती से वो जाने का दुस्साहस करता है तो अवलांच के डर के कारण वो नहीं जा पाते हैं, और कई बार हादसे होते हैं अवलांच के कारण बर्फ़ खसक जाती है, जो लोग नहीं जानते बर्फ़ कैसे खसकती है, तो ये बहुत ही इस तरह की इनकी दिक्कत है और इसको लेकर के टनल की मांग यहाँ के नागरिकों ने रखी है। मैं चाहूँगा कि ये जल्दी से जल्दी पूरी हो और हम भारत सरकार से गुजारिश करें। सर हमसे हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12 टनलों को जो है ग्रीन सिग्नल दिया है जिसमें करगिल और लद्दाख के भी कोई कई सारे हैं, और करनाक की जो फाइल्स है बहुत पहले से है, क्योंकि इसको अगर हम कहें कि जो जब से यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था लगभग जिसमें 9 आदमियों की डेथ हुई थी, उस दिन से ये करनाक कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम में आई और उस दिन से लगातार इनकी आवाज़ वक्तन फोक्तन बुलंद होती रहती है, मगर अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं आ रहा है। ऐसा सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ, मैं गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और अपनी आवाज़ उठाने का मेरे मंच है उसके मार्फत उठाता हूँ। अब सरकार ने क्यों नहीं किया वो तो कोई सरकारी आदमी दे सकता है, पर मैं एक चीज़ आपके मार्फत कश्मीर में, वो भी तंगधार में जो भारत के कश्मीर का एक शीर्ष जिसको पूरा देश कहता है, मैं ये ज़रूर विश्वास दिला सकता हूँ कि आज जिस तरीके से इस बात को मैं आपकी बात को देश के सामने रख रहा हूँ, हमारे मंच के मार्फत चिट्ठी के मार्फत की जाएगी, पहले भी हमने किया है, पर यकीन है मुझे कि इतनी बड़ी समस्या जो मौजूदा सरकार है जो मोदी जी के साथ है और देश बदल चुका है भाई, उनको करनी पड़ेगी, और उम्मीद के अलावा मैं आपको ये भी भरोसा दिला सकता हूँ कि जिस तरह के मुद्दे हैं ये सेंसिटिव मुद्दे हैं और हल होंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी कामना है। सर करनाक कोऑर्डिनेशन कमेटी की अगर बात करें, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और भी बहुत सारी जो कमेटियां हैं वो भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं, मगर आपने करनाक कोऑर्डिनेशन कमेटी ही क्यों प्रेफरेंस दी और इसी को क्यों चॉइस किया और इसी के साथ क्यों आपने कोलिब्रेट किया? देखिए ऐसा है कि करना एक ऐसा इलाका जहां पर ये दिक्कत आ रही है, आपको पता होना चाहिए भारत के अंदर जहां जहां ऐसी प्रॉब्लम्स थी वहां वहां टनल सरकार ने मंजूर की। कुछ दिनों पहले न्यूज़ में भी आपने देखा होगा करना टनल का भी उसके अंदर जिक्र था, क्लैरिफिकेशन। अब ये क्या दिक्कतें हैं इनकी, बैठ के चर्चा हमारी चल रही है, हम हमारी बात रख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ इसका जरूर कोई समाधान निकलेगा। आपसे जुड़ने का कारण ये है, जैसे मैं सबको कहता हूँ आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, पूर्व सैनिक हूँ, आपने मुझे याद किया तो मुझे आना पड़ा और आपकी बात से जुड़ गया। प्रेम जहाँ मिलेगा मक्खी वहीं आती जहाँ उसको प्यार मिलता है, और यहाँ मुझे प्यार मिला है आपका और दिक्कत भी है, और मैं ये मानता हूँ कि जब जब ऐसी दिक्कत होगी, बाकी जगह टनल बन चुकी है, आप देखिए लेह लद्दाख वाली टनल बन चुकी है, दूसरी तरफ से हिमाचल की टनल बन चुकी है, इधर जो पानी का टनल इमरजेंसी के लिए गुरेज वाला बन चुका है, जवाहर टनल के नीचे दूसरा रेल का टनल बन चुका है। मैं तो आपकी मार्फत कहता हूँ कि जब टनल बनी रही है तो टनल को रोड की टनल के साथ साथ रेल को भी जोड़ दो, क्योंकि भारत सरकार का मिशन है जैसा पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है, आप सबको ज्ञान है 5 अगस्त 2019 के दिन ऐलान किया था कि हम POK का पूरा हिस्सा जो हमारा भारत का हम लेके रहेंगे, तो अगर भारत सरकार का कहीं प्लान है 1 साल 1.5 साल में POK को हमारे साथ जोड़ने का,
तो ये टनल तो आप पहले बना दो, मैं तो ऐसा मानता हूँ। टनल सड़क की क्यों, जब पैसा इतना लगेगा देश का तो एक दिन रोड की भी, रेलवे की टनल बननी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी देखते हैं समय क्या करता है। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, लास्ट मत पूछिए आप अपना। लास्ट क्वेश्चन यही है कि आप ये बताइए, क्या देव आने के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी को जो है दिल्ली तक रिप्रेजेंटेशन मिल सकती है? नहीं, देखिए टनल की रिप्रेजेंटेशन पहले भी दिल्ली तक, आप ये मान के चलो, क्योंकि ये भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर नागरिक की आवाज़ पहुंचती है और यही लोगों ने आवाज़ उठाई, तभी तो मैं इनसे जुड़ा। आज उन्होंने, कोई नया नहीं है मेरे लिए, हमने पहले एक बार भी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहाँ जाते हैं हम मुद्दे, तो भारत पूरा जुड़ रहा है आपके साथ। जब पूरा भारत जुड़ेगा सरकार को तो काम करना ही पड़ेगा, और उम्मीद हमें रखनी चाहिए, आवाज़ उठाते रहेंगे, तरीके हैं हमारे सरकार तक बात पहुंचाने के। और सबसे बड़ी बात है, आपके मार्फत हम देश के नागरिकों को जोड़ रहे हैं, पूरे कश्मीर की आवाम को जोड़ रहे हैं, देश के 130 करोड़ आवाम को जोड़ रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई ये दिक्कत है, आप हमारा समर्थन करें, और समर्थन मांगना एक नागरिक का हक है, और मैं मानता हूँ ये जरूर। शुक्रिया सर, बात करिए।